हरि ओम जय प्रकृति माता जी। देखिए आज मुझे एक वनस्पति मिली है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जिसको खांसी हो, दमा हो, मतलब कफ रोग हो और सीने में बलगम जम गया तो बहुत ही अच्छा निकलता है। और ये अनुभूत प्रयोग है, हमारा भी अनुभूत है, गुरुजी ने बताया था। तो इसको हम रुद्रवंती बोलते हैं। देखिए एक रुदंती होती है जो हिमालय क्षेत्र में होती है, रुद्रवंती है। तो ये यहाँ पे मैं भी निकल रहा था तो यहाँ पे देखिए इसके फल दिखे, तो मैंने 3-4 फल तोड़ लिए हैं। तो इसके कच्चे फल की हम सब्ज़ी बना के खा सकते हैं, स्वाद में कड़वा लगता है, पकने के बाद लाल हो जाता है। तो मार्केट में कच्चे को ही काट करके सुखा करके बेच देते हैं। तो ये रुद्रवंती के फल है और काफ़ी यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत कम लगता है इतना जो यहाँ जितना मात्रा में लगा हुआ है। तो इसके फल का हम चूर्ण भी बना सकते हैं सुखा करके, शहद के साथ ले सकते हैं। ये हमारा कफ निस्कारक है। और जो दमा बोलते हैं या गले में जो या छाती में कफ जम गया है उसको भी बाहर निकाल देती है। मैं इसके फल दिखा रहा हूँ, अभी पत्ते भी आपको दिखाता हूँ बढ़िया से, देखिए ये फल ऐसे लगे हुए काफ़ी। तो मैं इसके पत्ते भी दिखा देता हूँ। देखिए इसके इसको उल्टा कांटा भी बोला जाता है, उल्टा कांटा, क्योंकि देखिए इसके कांटे जो हैं ये हमेशा उल्टे साइड में होते हैं। मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये जो कांटा है, कांटा हमेशा ऊपर को होता है लेकिन इसके कांटे नीचे को होते हैं, ये देखिए। और ऐसे जब पकड़ लेता है बुरी तरीके से फाड़ देता है चमड़ी को, अगर ये हाथ उत में लग जाए तो संभल के जाना है। पुराने पत्ते इसके ऐसे दिखेंगे आपको, कई पत्ते आपको लंबे भी दिख सकते हैं। ये देखिए कांटा नीचे की तरफ झुका होगा, कोई सा भी कांटा देखेंगे, ये यहाँ पर देखिए कांटा है। ये जो कांटा है इसको, ये देखिए ये जो कांटा है ये, तो ये देखेंगे तो हमेशा नीचे की तरफ, इसलिए उल्टा कांटा भी बोलते हैं इसे। और साउथ में इसे गोविंद फल के नाम से भी जाना जाता है। तो गोविंद फल हो गया, रुद्रवंती इसका नाम हो गया, उल्टा कांटा हो गया, और ये कफ निस्कारक बहुत बढ़िया है। तो आपके क्षेत्र में भी होता है तो इसका उपयोग करिएगा, या नहीं है तो आप पौधे मंगा के लगवा सकते हैं। जय प्रकृति माता।